ये भगवा रंग। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। मैं हूँ आप लोग का दोस्त चंदन। तो क्या नाचो मैं? और आज हम लोग जा रहे हैं कुरुद, क्योंकि कुरुद में हो रहा है भव्य राम कथा एवं रुद्राभिषेक। और आज है लास्ट डे। आज शहनाज अख्तर, जो कि भगवा रंग गायिका, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप, उसका बहुत बड़ा फेमस कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं, देख सकते हो प्रवेश द्वार ये है। यहाँ पास देखिए शंकर भगवान जी का। तो गाइस, अब आपको ले चलता हूँ अंदर की ओर। ये है महाराज जी, जो कि भागवत कथा करवा रहे हैं। चलिए चलते हैं अंदर की ओर। देख सकते हो कि भव्य तरीके से सजाया गया है। तो गाइस, मेरे सामने है शिवदर में, देख सकते हो। रुद्राभिषेक हो रहा है। अभी बारिश का दिन चल रहा है, इसके लिए बहुत व्यवस्था किया गया है। देख सकते हो टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो गाइस, हम लोग यहाँ सेवा में लगे हैं राम जी के। देख सकते हो ये है राम दरबार, ये है फ्रेंड लोग। हाय हाय करो ना जी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जय जय श्री राम। तो गाइस, यही है स्टेज, देख सकते हो। गाइस, ये है स्टेज, देख सकते हो। ये है राम दरबार जी। ये है स्टेज, देख सकते हो। ये है श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा। भाई, सभी फ्रेंड लोग श्री राम जी के सेवा में लगे हुए हैं, देख सकते हो। हाय हाय गाइस, समझ रहे हो आप। देख सकते हो गाइस, हम लोग इसको उधर ले जाएंगे। पीने की पानी की व्यवस्था चल रही है, देख सकते हो आप लोग। ये है राम दरबार। तो गाइस, ये है हमारे कार्यक्रम के आयोजक श्री नीलम चंद्राकर जी। आज इसका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर जी। थैंक यू। तो गाइस, अभी पार्थिव शिवलिंग की महारुद्राभिषेक हो रहा है, देख सकते हो। तो
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इधर खाना बन रहा है। तो गाइस ये है कौशल्य भंडार, देख सकते हो आप लोग। हाय हाय इतना सुकून। हे गाइस आजकल बड़ी विडंबना है, लोग कहते हैं महाराज सुख न खा का अर्थ क्या है। अभी राम कथा हो रहा है, देख सकते हो गाइस। सुख होता है ना सुख, हां कटने वाला साफ करने वाला सुख, धान साफ है जानने में नहीं गए सुख पा अब बोलो भाई नखों को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों यह है बाहर के सीन, बहुत ही ज्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हो। बहुत तेज हो रहे है, बहुत तेज हो रहा साल। हम लोग अभी यात्रा में तो दोस्तों अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ शहनाज अख्तर के कार्यक्रम स्थल में, जो कि हो रहा है नई मंडी कुरुद में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस यह है स्टेज, यहीं पर शहनाज अख्तर का शो होने वाला है। अभी स्टूडेंट
वाले अपना सेटअप कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ Oh,
दोस्तों किसी उपद्रवी ने पानी का पाउच स्टेज में फेंका है। जिसने पानी का पाउच फेंका है उनके लिए दो लाइन। मैं तुझे देख रही हूँ यहाँ से। बदतमीजी करोगे तो ग्राउंड से बाहर जाओगे। भजन संध्या में ध्यान नहीं है, पानी का पाउच फेंके मारने में ध्यान है। अरे वो बैठे ना बैठे तू बैठ जा रहे है तो नाच ना खड़े होके। देखो किसने रोका, नाच मगर बदतमीजी नहीं करना। मैं बहुत बदमाश हूं, बोलने में नहीं डरती। ये जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये ऐसे नहीं हुए, ये सब भजन कीर्तन भक्ति करने के लिए आए हैं। भक्ति शांति से करने दो और तुम भी शांति से भक्ति करो। अब पानी का पाउच फेंकना नहीं, अगर फेंका तो प्रशासन को भेजूंगी। ठीक, चलिए दादा बदतन। उस समय जब वो फसल उगने के पहले भगवान से रोता गिड़गिड़ाता है लोग आने के लिए, उससे पूछो पानी की कीमत। इन लोगों को क्या पता चलेगी पाउच फेंकने वालों को, इनको तो हराम में मिल गया, फोकट में मिल गया, फोकट में। इनको तो हराम में मिल गया। अगर ये अभी 10 रुपए का पाउच खरीद करके पी लेते तो जान पे जान तक जाती इनकी। भाई 10 रुपए चले गए, कितनी बड़ी बात है। मैं यहाँ किसी को बातें सुनाने नहीं आई हूँ, मैं किसी को यहाँ समझाने भी नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं मास्टर नहीं हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा का अपमान मत करो। ये सर बोलू, ये दो लाइन उन लोगों के लिए जो शहनाज अख्तर से और नीलम भाई से प्रेम नहीं करते, हमारी तारणी भाभी से भी प्रेम नहीं करते। जो लोग पानी फेंक रहे हैं वो थोड़ी तारीफों के पुल सुनते जाएं। अरे इरशाद बोलो, बोलो इरशाद। हाँ, ये दो लाइन सुन के जाना पानी फेंकने वालों, और फेंकोगे तो भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी, वैसी बहुत गर्मी है, सोच लो यही ना लू और क्या। कि ना पूछ मेरे प्यार की हद कहां तक है। बोलो वाह 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 वाह, ऐसे नहीं बोलते, बोलो ऐसा वाह 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 वाह। ये देखो है ना, कलाकार कहीं भी हो मगर कलाकार होता है उसके अंदर, होता है ना। बोलिए वाह वाह। ये देखिए है ना कलाकार, इसे भी कलाकारी बोलते हैं। कि ना पूछ मेरे प्यार की हद कहां तक है, और तू सितम कर तेरा कहर जहां तक है। ना पूछ के ना पूछ मेरे प्यार की हद कहां तक है, और तू सितम कर तेरा कहर जहां तक है। अरे तुझसे रहम की उम्मीद तो गैरों को होगी, मुझे तो देखना है तू बेरहम कहां तक है। तो कैमरे के पीछे वालों जो पाउच I'm a horny guy.
कैसे डलवाए, कम से कम बात तो हो ही जाए।
मैं समझ सकती हूँ 2 साल की फीलिंग्स क्या बीती होगी विचारों पे, बीती होगी कि नहीं, देखो लोग हाँ कह रहे हैं। और इन 2 सालों में इस कोरोना काल में मुझे सबसे ज्यादा मजा कब आया बताओ, बताओ, लॉकडाउन में जो लोग घर से बाहर जा रहे थे और पुलिस प्रशासन उनके पीछे से लाल कर रहा था, है कि नहीं? किसने किसने देखा वायरल वीडियो? मैंने देखा, बहुत मजा आया मुझे। अरे क्यों नहीं आएगा यार, इंजॉय कर लो। कहते हैं कुर्सी से मोह इतना अच्छा नहीं होता, है कि नहीं? वैसे तो सारा जमाना कुर्सी पर बैठना चाहता है, लेकिन भगवान की शरण वो कुर्सी है जो हमारा मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। छोड़ दे क्या, इसलिए कुर्सी से मोह मत करो, थोड़ा झूम लो भक्ति में, एंजॉय कर लो इतना। कोई मना